हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोपहर का बज गया 3 और नींद मार के उठिया मैं तो चाय पानी भी पी ली। और जिया क्या आज बुधवार है तो मैं बृहस्पतिवार का कपड़ा कौन दवा। तो अब मेरी बहन लगा गया ये वॉशिंग मशीन और पाला को तो कह कहूँ भाई पाला इतनी तकड़ी मजाक सी कर रखी है। जी हाँ, बाहर जावा तो धूप सी लग गए, धूप में बैठा नहीं, ठंडी ठंडी हवा लग गए, फिर आगे बाजर रजाइम बड़ा। तो मैं तो अन के भी माहौल हो रहा सर्द गर्म वालो सो, तो ना स्वेटर खोल सका और ना रजाई छोड़ सका। बाहर जावा तो 10 मिनट बैठा ही तन गर्मी लगन लग जाए, माँ तो इतनी मतलब बात पर उठ रहा है। तो सर्दी जानू नाम खोल लिया। तो मैं तो इन बोलो भी जी हाँ आप रजाई धोने की बात करिए, हमेशा वह हर सर्दी मियाँ वह। तो मैं इन पहले ही बोले मुकापा एक बार सिर्फ ब्लैंकेट्स धोवाऊंगा और बाकी कपड़ा को नहीं धोवा। हर बार यहाँ हमेशा वह हमको एक बार यहाँ लगे जी हाँ कभी गर्मी आ गई तो आप कपड़ा धो के रख देवा और हमेशा स्वेटर वगैरह रजाई वगैरह वापस निकलवा लें। तो अब की बार आ कह के आते हैं बात सच्ची कही है भी ब्लैंकेट तो अपन सिंगल ब्लैंकेट तो गर्मी में भी यूज़ करा तो बन बार ही रखा। तो मैं सारा कपड़ा कौन धोया और अब वॉशिंग मशीन लगा गई है क्योंकि बृहस्पतिवार का मैं कपड़ा कौन दवा। तो वॉशिंग मशीन लगा के आई है, थोड़ा कपड़ा दुब जाएगा और कंटिन्यू आपको फ़ोन देखने लग रही है सागर सागर कपड़ा धोए वॉशिंग मशीन। तो मोटर चला के छोड़ के यहाँ रखिए 20 तो 20 आ गई भाई। जी हाँ जी हाँ, सर्दियाँ अब कम होगी, 20 भी कम आई करेंगी, अभी थोड़ा ही दिन आवे फिर इतनी आ भी कोई आएगी। और अभी आपने पापा साथ खेलने लग रही है बाहर बैठी बैठी, तो आ इंतजार करने लग रही है आज आ का मैंने मेरी बेटी कटिंग करवानी है। तो कटिंग करवा के रे भाई दिन में 4 बार या 9 फोन करवा दिया है। तो दिन रात ये आई रट्टा है कि मेरी छोरी की नाई को कटिंग करवा के दो, तो तू कटिंग करवा के क्या बना लेगी नहीं छोटा छोटा बाल है भी गए फिर भी कह कहेंगे एक बार नहीं मुड़े डाला कटिंग भी तो इं करवानी चाहे कभी छोरी के मेरे इं बाड़ है फिर कहे के कलमा सी इतनी थी बद रही है ठाकरियाँ बद रही है तो आने एक बार कटवा लियो तो भी बदेगा जदि तो भी सीधा ही तय कौन भी सीधे एकदम सुनी हो थोड़ा एक बार बाद में सीधा ही बदे को जी बाल पड़े को जिया बाल फिर किसा हुआ भी एक बार बिंग पूरा क्लीन चिट करवा दिया बिंग बाद में बाल आया तो बिंग कोई जरूरी कौन भी सारा बंग एक सा तो मैं तो इनको मेरे तरह बाल आवेगा भी नहीं थोड़ा थोड़ा कर ली रहेगा करवाना कौन पड़े लोग रुपया लगवा लगवा के कराए तो आई चीज न मानो कौन सा है कौन माने कटिंग करवा के रखे दिन गए 4 बार फोन करवा चुकी है तो ना ये क्या भाई आना ही पड़ेगा मैं आऊँ थोड़ी मशीन चार्ज कर लियो तो आज मैं कभी कटिंग करवाऊँ मैं तो इनके कोई डंगी को रहना भी आज कटिंग करवाऊँगा तो रो रो गए लियाड़ छींड जुकाम भी यही हो रही है तो सुबह की बिनवाई कौन है। तो आज आविंग भी इन्हीं हो रही बिन कटिंग करवा लें वो बकरी सी लग के देखी चाहिए मुझे अब रेडी स्टडी तैयार क्योंकि ना यहाँ नल है तो थाने दिखाऊंगा फिर भी इनकी कभी अकिया लगे कटिंग करवाए बाद में और जी साबुन नाम पकड़ रखे होगा कटिंग करवावा एक करे तो नाम घना ही पकड़ रखे हो तू सूट सीढ़ के दे के किता दिन गया जिता आके भी तय सारांग सूट चिम दिया पूनम का सिम के पूनम तो मन लगा प्यार के पुराने हो जाएगा बंग तो और इंगो बिना से डरे पड़े होगा भाई तेरो इतो लंबो चौड़ो सूट तबे कोनी आवे को मेरो मैं इनको मेरे तबे कोनी आवे अब लंबी चौड़ी होगी कोनी पतली होगी छोटी होगी हां पतली तो उसके पर लंबी चौड़ी छोटी तो कोनी उसके तो मेरी बहन होगी पतली तो कई बार मन है कोई यहाँ पूछा है कि भी पतला क्या हो थे मोटा हो गया पाछा पतला क्या हो गया तो जद में यहाँ बता दे मन भी बैठ के पोचो लगाए करो तो अगलो कह थारो कठो रखो थारी डाइट है माने कौन सी है मारो तो बैठ के पोचो कौन लगे कठ रखो थारी डाइट तो भाई मैं तो मार डाइट आई बतावा कि मेरी बहन भी बहुत पतली होगी पहला ना कहे थे पतली क्या हो के खाओ वो बैठ के पोचो लगाए करो भी मैं तो यहाँ सोच रखी हूँ भी मन तो यही लगे भी बैठ के पोचो लगाए पतलो वह और तो वही जगह लोग खावे पिए घर में रोटी सब्जी भाई मैं खावा वाह तो मैं तो यहाँ कहाँ भी बैठ के पोछो लगाए करो तो बहुत कम लोग ना मार ली डाइट पसंद आवे पसंद ही कोनी आवे काठ रखो तारी मारे पड़ोसन ने कौन पसंद आवे पूछ ले पसंद कोनी आवे पड़ोसन हाँ। आ रही है पहला क्यों पूछा भाई मार कनु ते के खाओ पतले किया होई है आ भी बहुत मोटी आ भी अब थोड़ी थोड़ी पतली होगी तो
तो अब मैं पहला मोटा वहां जो तुम्हें लगा मोटा हो गया पतला किया वहां पतला जो अब पतली होगी तो मैं पछ मोटी होने की कोशिश करने लाग रही हूँ भी मैं मोटी हो जाऊँ फिर मैं मोटी हो जाऊँ फिर मन कोई पाछ कह देसी तो आ मोटी हुई तो अब पाछी पतली होगी गाम गया तो सारा ही क्या भाई इन के करियो थे पतली होगी तो पतली 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 करने लग जाए मोटा होना जी करने लग जाए फिर थोड़ा सा हो जाऊँ तो कहाँ तो मोटी होगी मोटी होगी तो दाती आती कहना हाँ आती आती कहने लग जाए मैं भाई कहते थे मन सारा कहता नहीं कार्तिक बच्ची उस लगे मन सारा आया के उकसाई तो मैं भी कई दिन लारू रखियो गर्म पानी पियो और ये तो मैं पाछ बोली ज्यादा पतली होगी तो अब बैलेंस बिगड़ जाए या तो ज्यादा ताजा हो जाओ या जब मैं पतला हो जाओ लारे सही तो अब मेरे मत रहे 48 किलो ही वजन तो लारे तो 50-54 किलो वजन हो वो मेरा सही हो तो भाई अब तेरे लिए सूट आड़ फिक्र और थकन लग जाऊंगा मैं तो आऊंगी रोमन लगे मैं सिलाई करी जब थक गई नहीं मेरे दिमाग में यहाँ सिलाई करने वाली चाल चे बनी फिर मनिया को नींद आने रह जाए बस बात को मेरे लारो रे रखे है आ मन दिन रात ताना मारे के जब तो देखे सार दिन फोन जब तो देखे सार दिन फोन तो ई बात ने कौन कौन मन है बे फोन देखा थक जाओ लमन सुती सुती फोन देखते जोर आवे के मतलब मैं 10 बजे आगे काम करके फ्री हो गई मैं बेड पर बैठा तो अभी तक बैठे ही यहाँ 3 बज गया तो मैं अगर सुती सुती फोन देखने लग रही हूँ तो बताइयो भी कौन कौन ही बात सहमत है कि सुती सुती फोन चलावे भी मैं थक जावे तो आ कह तू पड़ा कोई कह नहीं का पतली बहुत ही नहीं सार दिन फोन देखे सार दिन फोन देखे तो तुम फोन कौन देखे मुझ कम ही देखो मुझ कम ही देखो कम देखो आपकी फोन देखे कम इतना फोन देख मतलब कोई टाइम हो तो जो इतो फोन देखती तो फोन देखती तो अब आधा अब चुकी है तो एक रिंग छोटी बच्ची है तो टाइम कौन मिला तो अब बॉबी पर ध्यान दे अब आ थोड़ी कुछ जीव गया एक दिन की बात बताऊँ मैं था ना तो मैं कि भाई अभी तो एक बार आगू डाण या चाल लै कौन ही थोड़ी थोड़ी कोशिश करे थोड़ी पकान चाल ची कि अगर गर्मी आवेगी तो बहुत सारे दिन ही कुछ जीव सी बच्चों तो भी सारे दिन वही है गंदो जवे रेत में खेल नहीं कराए मैं 60 दिन नुआई करूंगा और 60 दिन नुआई करेगी अब भी यही करे मार से कुछ कुछ जी क्यों कुर्ती हो कुछ हो क्यों तो आधी एक तो छोरी ने इतनी परेशान कर रखा 60 दिन कपड़ा बदला तो मैं 60 दिन नुआई करूंगा तो आगे गर्मियों में देख रहा हूँ गर्मी में वाह पानी की तंगी अरे इन्हों की छोरी पकान चालना सीख जाएगी अरे भाई बचीड़ी बजे करेगा पानी खातर तो देखते ही जाइए थे तो मेरी बहन की सारी इंतजार की अदा पार होने लग गई है बिन आई न डीकते डीकते आज सुबह मैंने भी कहें कह ऋतिक ने नवाना दोनों बहन भाई कटिंग करवा सा बाकी तो दुकान पर भी ले जाके करवा लिया लेकिन बस छोटी है तो देव कहता मैं कुछ आप गरीब ला के करवावाँगे बिन कटिंग तो मैंने पता वो भी नाई तो हम तो सावे भी कटिंग करने वाला तो मैं बिना नवा के सुना दियो और बिंग सुबह हूँ अब तक का 3 बज गए डीकते डीकते का और फाइनली आ सी नाई फेयर बिंग कटिंग कर सी और मेरे लाडू बेटो उठ गया है और मैंने इतना मोटो मुँह बात गया है हर घर में एक बच्चो इशो हुआ है लगभग जो उठता ही मुँह बात सी तो इन याद तो दोपहर में सो सुबह उठ गया वो तो मम्मा तो क्यों मैं जल्दी सुनाऊंगी इन कोशिश करी तो जद कह सऊँ को नहीं वो फिर फोन देख के दादा को पोतो फोन देख देख के सोए को 2:30 बजे तो बे टाइम को सो जाओ तो फिर रोन तो ही उठाए तो मिलांगा एक नए ब्लॉग का सागा और तो बेटा ना पवन दूध और एक और अब स्कूल आना है तो मेरी बहन खड़ी होगी स्वेटर खोल गई क्योंकि बा पहला पोटा गिर गया होगी तो बाद चाल पटके लारना और मन कपड़ा संभाल के गई है जद भी वो एक चाल जाए तो दूसरा कपड़ा ही अंदर डाली।